मध्य प्रदेश की राजनीति से ऐसी खबर सामने आई है जिसने आम लोगों से लेकर सियासत के जानकारों तक को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर हुए ऐलान की। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद 11 दिसंबर को मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है। हम आपको मोहन यादव के बारे में कुछ बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सब भी बता देते हैं जो सीएम पद की रेस के दौरान हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस तरह की अटकलें तेज हुई थी कि अब सीएम पद से उनका पत्ता कट सकता है। इसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में शिवराज के चेहरे को आगे भी नहीं रखा। इसके बावजूद शिवराज चुनाव में काफी मेहनत करते नजर आए, यहां तक कि जब चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली, फिर भी शिवराज लगातार जमीन पर एक्टिव दिखे। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद से ही लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर वहां अब मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान ही इस पद पर बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा इस पद पर काबिज होगा। इस बीच सीएम पद की रेस में जिन नामों को लेकर अटकलें लगी, उनमें शिवराज के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम शामिल थे। मगर बीजेपी ने जिस तरह हरियाणा सीएम पद के लिए मनोहर लाल खट्टर को चुनकर सियासी जानकारों तक को चौंका दिया था, वैसा ही अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव से जुड़े ऐलान के मामले में हुआ है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वो 58 साल के ओबीसी नेता हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया है। बात उनकी शैक्षणिक योग्यता की करें तो ये बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी है। मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर उनके व्यवसाय में अभिभाषक, व्यापार और कृषि को शामिल बताया गया है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोहन यादव की पहचान भी बीजेपी के काम आ सकती है, ओबीसी खासकर यादव वोटों को लेकर। चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि मोहन यादव ने खुद को मिली नई जिम्मेदारी को लेकर क्या कहा है। आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं, हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।